गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रिसेंटली आपके जो पीडीएफ में से वेव मोशन जो टॉपिक था, ये टॉपिक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पीडीएफ में एक और टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड, जो नए सिलेबस में कट हो चुका है। तो जो पीडीएफ आपको क्लास के थ्रू भेजा गया है, उसमें से आपको डॉपलर्स इफेक्ट कट करना है। बाकी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है, क्योंकि वो न्यू सिलेबस में है। नाउ अब हम स्टेशनरी वेव्स की तरफ जा रहे हैं। स्टेशनरी वेव्स ये हमारा नया टॉपिक है, इसी के सब टॉपिक्स है जो हम आज लेने वाले। बट सबसे पहले हमें ये स्टेशनरी वेव्स क्या होता है, इसी के बारे में जानना है। व्हाट इज स्टेशनरी? तो मैंने आपको पिछले इसमें प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में बताया। तो प्रोग्रेसिव वेव यानी कंटिन्यूअस वेव जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है, हम उस वेव को प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। मान लीजिए आपके पास में दो प्रोग्रेसिव वेव है। हाउ मच? टू प्रोग्रेसिव वेव्स। अब ये जो दो प्रोग्रेसिव वेव आपके पास में है, ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर है। मतलब पहली वेव दूसरे वेव के समान ही है। डिड यू गेट माय पॉइंट? दोनों वेव्स जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। मतलब ये हुआ उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, उन दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स का वेवलेंथ सेम। जब ऐसी दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल करती है अलोंग द सेम पाथ, यानी सेम एक ही पाथ पे वो दोनों वेव्स ट्रेवल कर रही है, जब ये दोनों वेव्स एक ही पाथ पे ट्रेवल करती है बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, जब दो प्रोग्रेसिव वेव सेम पाथ पे ट्रेवल कर रही है बट उनकी डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं उस पाथ पे ये दोनों वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करेगी, और इंटरफेयर करने से वहां पर एक सिंगल वेव प्रोड्यूस होगी, और उसी सिंगल वेव्स को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। मतलब क्या हुआ इस चीज का? व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स? जब दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स एक ही पाथ पे ट्रेवल करती है बट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरफेयर करती है, और दो प्रोग्रेसिव वेव्स के इंटरफेयर करने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है उसी को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। तो लिखते हुए हम यहां पर क्या लिखेंगे? When two exactly identical progressive wave, when two exactly identical progressive wave, but identical है तो आपको bracket में लिखना होगा having same, इन दोनों वेव में आइडेंटिकल है। मतलब क्या है? दोनों प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड सेम,
फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों प्रोग्रेसिव वेव का वेवलेंथ भी सेम है। जब ये दोनों वेव आइडेंटिकल है मतलब उनका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है। अब ये दोनों वेव्स ट्रेवल कर रही है, ट्रेवलिंग अलोंग दी सेम पाथ, वो दोनों प्रोग्रेसिव वेव एक ही पाथ पे ट्रेवल कर रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है मतलब एक दूसरे को इंटरफेयर करेगी, तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरफेयर विद ईच अदर, मतलब दोनों वेव्स एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे और दोनों वेव्स इंटरफेयर करने की वजह से एक नया वेव प्रोड्यूस होगा। सो द रिजल्टेंट वेव इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव या फिर स्टेशनरी वेव को ही हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर स्टेशनरी वेव। मतलब ये हुआ कि जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो दो प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करती है। जब तक दो प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक वहां पर स्टेशनरी वेव फॉर्म नहीं होगी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ना अब इसके बाद में हमें ये जानना है कि व्हाई दिस रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड एज स्टेशनरी। हम कैसे कह सकते हैं कि ये वेव जो है रिजल्टेंट वेव ये स्टेशनरी है, स्टैंडिंग है, मतलब ये ट्रेवल नहीं कर रही है कहीं पर भी। ये जानने के लिए अभी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं और ये एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिकली आपको समझना है। सपोज वी हैव ए स्ट्रिंग, हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, आप उसको धागा कह सकते हो, ठीक है, अब या एक हमारे पास में नॉर्मल थिकनेस का रोप है और ये रोप हमने यहां पर टाइटली बाउंड किया एट इट्स एंड, ये उसके दो एंड हुए रोप के और यहां पर मैंने ये दोनों फिक्स सपोर्ट से इसको टाइटली बाउंड कर दिया है। नाउ अब ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को आपने परपेंडिकुलरली लेंथ को स्ट्रिंग के लेंथ को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है, आपने यहां से उसको फोर्स लगाना है डाउनवर्ड और जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड आप पुल करेंगे आपको उसको रिलीज करना है। तो जब आप इस स्ट्रिंग को यहां से पुल करके रिलीज करते हो तो यहां पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे इस स्ट्रिंग में, तो मैं वो वाइब्रेशंस यहां पर शो कर रहा हूं, ये वाइब्रेशंस, ये आपका हुआ इंसिडेंट वेव, ये कौन सा वेव है, ये इंसिडेंट वेव है। नाउ ये इंसिडेंट वेव कहां तक ट्रेवल करेगा, दो एंड तक, क्योंकि यहां पर ये फिक्स है स्ट्रिंग,
मतलब वाइब्रेशन जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होंगे वो इसके आगे ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये जो इंसिडेंट वेव की वाइब्रेशन है ये दोनों एंड से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। मतलब यही सेम पाथ पे ये हुआ आपका कौन सा वेव, इंसिडेंट वेव, और यही से रिफ्लेक्ट होके आपको क्या मिलेगा, ये दूसरा वेव है। ये कौन सा वेव है, ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड वेव। और दोनों वेव्स एक ही पाथ पे ट्रेवल करने की वजह से ये जो आपको नया रिजल्टेंट वेव दिखाई दे रहा है इसी वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। अब मान लीजिए कि इंसिडेंट वेव का जो स्पीड है ट्रेवल करने का वो है 5 मीटर पर सेकंड फॉर इंसिडेंट वेव, और जो स्पीड है -5 मीटर पर सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव का। क्यों माइनस लिखा है, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये वेव सेम पाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर ये पहले वेव का, फर्स्ट वेव का स्पीड, ये सेकंड वेव का स्पीड, तो जो आपका रिजल्टेंट स्पीड हुआ वो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, इन दोनों की एडिशन यानी 5 + -5, 5 - 5 + -5 विल गेट 0। दैट मींस आपका जो रिजल्टेंट स्पीड हो गया वो कितना हो गया, 0। दैट मींस ये वेव ना आगे जा रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ना ये बैकवर्ड आ रही है, मतलब इनका रिजल्टेंट स्पीड क्या हो गया, 0। और अगर स्पीड ही नहीं है मतलब ये हुआ कि ये रिजल्टेंट वेव स्टेशनरी है। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर मैं आपको रिजल्टेंट वेव का यहां पे पिक्चर शो करने जा रहा जिससे हमें इनके मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ना है। ये मान लीजिए आपका इंसिडेंट वेव, और यही से इसी ओरिजिन से ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव। और यहां पर ये आपका फर्स्ट वेव है, ये आपका सेकंड वेव है, और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। दैट मींस आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि स्टेशनरी वेव में क्लोज लूप बनता है। देखिए सी है, दिस इज क्लोज लूप। That means, whenever a stationary wave is formed, a loop is formed. मतलब ये हुआ कि जहां स्टेशनरी वेव है वहां पर लूप फॉर्मेशन होता है। हम इसको क्या कहते हैं, क्लोज लूप। ना अब यहां पर ध्यान देना है आपको, जो आपका ये जो एक सिंगल लूप है इसमें जो सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड होता है दिस वन ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट है। तो ये जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट जो है, इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के पॉइंट को कहा जाता है मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड के पॉइंट को कहा जाता है एंटीनोड, यानी क्या कहा जाता है, ए पॉइंट्स। लूप में, एक सिंगल लूप में जो आपका ये मैक्सिमम एंटीनोड का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट होता है, हम इसको कहते हैं एंटीनोड। और जहां पर स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, ये देखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ये आपके मिनिमम एम्पलीट्यूड के पॉइंट्स है। तो जहां पर स्टेशनरी वेव में वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, तो हम उस मिनिमम एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं नोड्स, और लिखते हुए हम इनको लिखते हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ये नोड हुए, ये आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा वहां पर दो पॉइंट्स रहेंगे, एक पॉइंट होगा जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, हम उसको कहेंगे एंटीनोड पॉइंट, और एक पॉइंट होगा जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, हम उसको कहेंगे नोड पॉइंट। और आपको ये दिख रहा है कि पहले नोड है, उसके बाद में एंटीनोड है, उसके बाद फिर से नोड है, फिर से एंटीनोड है, मतलब ये हुआ कि हर नोड के बाद एंटीनोड, हर एंटीनोड के बाद में नोड, दैट मींस दे आर अल्टरनेटली सिचुएटेड। तो हम उसके बाद में क्या लिखेंगे बताइए, नोड्स एंड एंटीनोड्स आर अल्टरनेटली सिचुएटेड, नोड्स एंड एंटीनोड्स आर अल्टरनेटली सिचुएटेड, मतलब नोड्स और एंटीनोड एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, अल्टरनेटली प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद में आप दो सक्सेसिव यानी एक के बाद एक आने वाले दो नोड पॉइंट लीजिए या दो एंटीनोड पॉइंट लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा, यहां पर ये जो डिस्टेंस जो है ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये डिस्टेंस होता है लैम्ब्डा बाय टू, ये डिस्टेंस क्या होता है लैम्ब्डा बाय टू, और ये आपको यहां पर लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और टू सक्सेसिव एंटीनोड्स। Is lambda by 2, मतलब कोई भी दो एंटी नोड पॉइंट या कोई भी दो नोड पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है lambda by 2, और एक एंटी नोड और एक नोड, the distance between node and its एडजेसेंट, मतलब उसी को लग के जो एंटीनोड होगा, इनके बीच का डिस्टेंस होगा इज लैम्ब्डा बाय फोर। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्टेशनरी वेव।